वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। यूपी चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई है। एक तरफ बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है तो दूसरी तरफ अखिलेश और जयंत युवाओं की ताकत दिखाने में लगी हुई है। दोनों नेता एक साथ मंच शेयर कर और जनता के बीच ये संदेश देने में लगे हुए हैं कि जाट समुदाय और यादव समुदाय अब एक साथ है। ऐसे में यूपी चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के कार्यक्रम में काफी हंगामा देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे दोनों दिग्गजों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंच गए, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई और धक्का मुक्की की नौबत आ गई थी। हालात बिगड़ने पर अखिलेश यादव के सुरक्षाकर्मियों ने मोर्चा संभाला और समर्थकों की ही पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने मेरठ में शुक्रवार को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए थे। इसी दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ अखिलेश यादव से मिलने के लिए उनके पास आने लगी। बस फिर क्या था, सपा मुखिया की सुरक्षा में तैनात कमांडो ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं माने तो सुरक्षा कर्मियों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया। स्थिति को संभालने के लिए बाद में कार्यक्रम वाली जगह का गेट बंद करना पड़ा। एक तरफ तो सपा समर्थक की पिटाई चल रही थी तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव मुस्कुराते हुए चले गए। उन्होंने पीछे पलटकर देखना भी मुनासिब नहीं समझा और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।